क्या आप माखनलाल यूनिवर्सिटी से PGDCA कोर्स कर रहे हैं जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब आपके एग्जाम होने वाले हैं PGDCA के। जी हां, आपने जनवरी में या जुलाई में एडमिशन लिया हुआ है माखनलाल चतुर्वेदी के किसी भी इंस्टीट्यूट में PGDCA करने के लिए। अब आपके एग्जाम होने वाले हैं। क्या आपको PGDCA का सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है? अब आपके एग्जाम होने वाले हैं। हो सकता है आप रेगुलर इंस्टीट्यूट ना गए हो या आप गए भी हो इंस्टीट्यूट, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से सिलेबस जो है PGDCA का वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रैक्टिकल उसमें दिया गया है, या आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो सब्जेक्ट की थ्योरी दी गई है वो आपको समझने में दिक्कत आ रही है। आप PGDCA के पूरे प्रैक्टिकल को, थ्योरी को अच्छे से समझना चाहते हो। जी हाँ, आपका इंटरेस्ट इस बात पर है कि जो डिप्लोमा है वो तो मिल जाएगा, लेकिन यदि आपको पूरा थ्योरी का और प्रैक्टिकल का अच्छे से नॉलेज नहीं होगा तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं पर भी जब आप जॉब करने जाएंगे या आप आगे चल के इंटरव्यू देंगे, आपको वही विषय पूछा जाएगा जो आपने PGDCA में पढ़ाई की है, तो अब आपको वहां पर प्रॉब्लम ना हो इसलिए आप पूरी थ्योरी को और प्रैक्टिकल को अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, ताकि जब आप PGDCA के बाद कहीं जॉब करने जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी कारण से आप सारी चीजों को डिटेल में सीखना चाहते हो। इसके लिए हमारे पास आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन है, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जी हाँ, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफलाइन माखनलाल चतुर्वेदी से PGDCA कोर्स पिछले 15 वर्षों से करा रहा है। उसके बाद अभी हम ऑनलाइन भी आ चुके हैं 2019 से। ऑनलाइन आने के बाद हमने PGDCA की जितनी क्लासेस उनको रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद सारी क्लासेस को अपने इस ऐप में, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, इस पर हमने रखा हुआ है। तो आप इस कोर्स को यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप में आपको PGDCA की तैयारी का फुल कोर्स मिलेगा। इसका थंबनेल आप देख लीजिए, इसमें आपको मिलेंगे कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जिसमें नोट्स हैं, वीडियोज हैं, प्रैक्टिकल है और एक्सरसाइज भी है, जो भी आपको सिलेबस के अंतर्गत सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। ओल्ड पेपर्स भी हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। इस ऐप से आप ऑनलाइन PGDCA की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं, जिसमें आपको 961 वीडियो, 68 PDF फाइल, 17 टेस्ट मिलेंगे। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, MS ऑफिस, जिसके अंतर्गत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सिखाया जाएगा, MS एक्सेस सब्जेक्ट है, फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया सब्जेक्ट है, इंटरनेट एंड वेब पेज डिजाइनिंग सब्जेक्ट है, IT ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विथ टैली है, मल्टीमीडिया विथ कोरल ड्रा है। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पूरी इसकी थ्योरी पढ़ाई जाएगी। इसके नोट्स भी दिए जाएंगे, PDF के नोट्स भी दिए जाएंगे, जिससे आप इसकी तैयारी एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर को पढ़ करके, याद करके भी कर सकते हो। उसके अलावा जो भी आप नोट्स में पढ़ोगे उसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी, जब आप उसका प्रैक्टिकल भी लाइव अपने मोबाइल में समझ लोगे तो थ्योरी आपके लिए आसान हो जाएगी, एग्जाम में लिखना आसान हो जाएगा, और आगे चल के उस चीज को कहीं पर भी अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो वो आसानी से आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप हमारे ऐप से कोर्स PGDCA का जो है माखनलाल चतुर्वेदी का ज्वाइन करने के बाद आपको सारे सब्जेक्ट की थ्योरी और प्रैक्टिकल पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है, ऐप डाउनलोड करना, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इसके बाद अभी हम रेगुलर अपने यूट्यूब चैनल में ही PGDCA एग्जाम, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी अंतर्गत होने वाला है, उसकी हम तैयारी करवाएंगे। तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि PGDCA के सिलेबस में क्या दिया गया है। विंडोज 8.1 के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। विंडोज 8.1 में डेस्कटॉप बैकग्राउंड, आइकॉन, स्क्रीन सेवर, थीम कैसे सेट करें? तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और विंडोज 8.1 में जब आप काम कर रहे होते हैं तो वहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कैसे हम बैकग्राउंड को चेंज करें, कैसे हम बैकग्राउंड की इमेज को चेंज करें, जिसे आप वॉलपेपर भी बोल सकते हैं, कैसे उसके जो आइकॉन दिखाई दे रहे हैं उसे चेंज करें, कैसे स्क्रीन सेवर को चेंज करें, और कैसे नई थीम हम सेट कर सकते हैं विंडोज 8.1 में। तो पर्सनलाइजेशन का मतलब है कि हमें अपनी सुविधा अनुसार विंडोज को पर्सनलाइज करना है, विंडोज की सेटिंग करना है, तो यह होता है पर्सनलाइज पेन ऑप्शन से। तो पर्सनलाइज पेन तक पहुंचने के लिए डेस्कटॉप
पर कहीं पर भी राइट क्लिक करें और फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू से पर्सनलाइज को चयन करें। पर्सनलाइज पेन आपको दिखाई देगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पर्सनलाइज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की विंडोज जो है वो दिखलाई देंगी। यहाँ से आप फॉन्ट की साइज, टेक्स्ट डिस्प्ले सेटिंग, आप फॉन्ट का आकार, टेक्स्ट डिस्प्ले को कस्टमाइज करने के लिए पर्सनलाइज पेन का उपयोग कर सकते हैं। तो अभी हम आपको प्रैक्टिकल भी बतलाएंगे कि कैसे इन सारी चीजों को चेंज किया जाता है। तो अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक विंडो में पिक्चर के रूप में कि कैसे हम विंडोज में प्रदर्शित होने वाले आइकॉन की साइज को, टेक्स्ट की साइज को जो है वो बदल सकते हैं। फॉन्ट की साइज कैसे बदलेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले विंडोज में कहीं पर भी राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज पेन के निचले बाएं कोने में स्थित डिस्प्ले ऑप्शन पर क्लिक करें। डिस्प्ले सेटिंग दिखाई देगी, वांछित आकार चुनें। पर्सनलाइज ऑप्शन में क्लिक करने के बाद किस में जाना है, डिस्प्ले सेटिंग में जाना है। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में थ्योरी में लिखनी होगी, इसलिए जो भी प्रैक्टिकल करते हैं उनके स्टेप्स जरूर याद रखें कि किस ऑप्शन के बाद क्या आता है, कैसी विंडो आती है। विंडो का बहुत ज़्यादा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको स्टेप्स याद होने चाहिए तभी आपको आंसर जो है सही तरीके से प्रॉपर लिख पाएंगे। विंडोज 8.1 में स्टार्ट स्क्रीन बैकग्राउंड बदलने के लिए क्या स्टेप्स होगा वो समझते हैं। यहां पर हमने समझ लिया फॉन्ट साइज डिस्प्ले सेटिंग में मिलेगी, वहां से बदल सकते हैं। स्क्रीन का बैकग्राउंड बदलना है तो सबसे पहले विंडो की और सी की दबाएं। अपने चांस बार खोलने के लिए स्क्रीन के दाएं कोर स्वैप करें, सेटिंग का चयन करें, पर्सनलाइज पर क्लिक करें। तो ये पर्सनलाइज ऑप्शन तक पहुंचने के लिए एक और तरीका बतलाया गया है कि विंडोज 8.1 में आप चांस बार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चांस बार ओपन करने की शॉर्टकट की भी बतलाई गई है। विंडो की के साथ सी की प्रेस करें जिससे चांस बार ओपन हो जाएगा। चांस बार पर सेटिंग में जाएं और पर्सनलाइज ऑप्शन पर क्लिक करें। पर्सनलाइज ऑप्शन के द्वारा ही हम बैकग्राउंड इमेज, कलर एंड असेंट कलर का चयन कर सकते हैं। यदि आपको पूर्व मौजूदा बैकग्राउंड पसंद नहीं है तो आप निचले दाएं कोने पर बैकग्राउंड पर क्लिक करके अपने डेस्कटॉप पर वॉलपेपर को बदल सकते हैं या जो भी आपको वॉलपेपर उपयोग करना हो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे हम पूरे डेस्कटॉप में इन सभी सेटिंग्स को करेंगे प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। प्रैक्टिकली देखा गया चीज याद रहता है और एग्जाम में भी आपको ये सारी चीजें याद रहेगी। तो चलिए अब हम इसे कंप्यूटर में प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। कोई भी विंडो आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आप एक चीज़ ज़रूर ढूंढेंगे और वो है कि इसके बैकग्राउंड का वॉलपेपर कैसे चेंज किया जाता है, विंडोज़ का इस विंडोज़ में स्क्रीन सेवर कैसे सेट किया जाता है, विंडोज़ में फॉन्ट की साइज कैसे चेंज की जाती है, विंडोज़ में यदि हम रेजोल्यूशन चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज किया जाता है। विंडोज़ 8.1 में इन सारे ऑप्शन को पर्सनलाइज ऑप्शन के अंतर्गत इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि अभी आपने थ्योरी में पढ़ा। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल समझते हैं कि कैसे हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इन सभी प्रकार की सेटिंग्स को करेंगे। तो जैसा कि थ्योरी में आपने समझा, विंडोज़ में ये सारी चीज़ों को चेंज करने के लिए राइट क्लिक कीजिए और पर्सनलाइज ऑप्शन पर जाइए। जैसे ही हम पर्सनलाइज ऑप्शन पर जाएंगे इस प्रकार की एक और विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं चेंज डेस्कटॉप आइकॉन, एक एक करके हम सारे ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम डेस्कटॉप आइकॉन पर क्लिक करेंगे, मतलब कि हम ये चाहते हैं कि डेस्कटॉप में माय कंप्यूटर का आइकॉन दिखलाई दे, रिसाइकिल बिन का आइकॉन दिखाई दे, कंट्रोल पैनल का आइकॉन दिखाई दे, नेटवर्क की फाइल दिखाई दे, और यहाँ पर हम जैसे ही अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो देखिए ये सारे आइकॉन यहाँ पर दिखलाई देने लगे। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो इन आइकॉन्स की ज़रूरत आपको पड़ती है, तो उसके लिए आप इसे पर्सनलाइज ऑप्शन में चेंज डेस्कटॉप आइकॉन में जाकर के चेक करके इसको ला सकते हैं। तो पर्सनलाइज का अर्थ ही होता है कि आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने इस्तेमाल करने के अनुसार उसको सेट करना चाहते हैं। जैसे आप मोबाइल में नहीं, आप नई नई थीम चेंज कर लेते हैं अपने अनुसार, आपको आइकॉन छोटे बड़े करने हैं वैसा आप कर लेते हैं, आप वॉलपेपर चेंज कर लेते हैं, तो यही सारी चीज़ें विंडोज़ 8.1 में भी की जा सकती हैं। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन दिखाई दे रहा है चेंज माउस पॉइंटर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यदि अभी जैसा माउस पॉइंटर चल रहा है आपको वैसा माउस पॉइंटर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से माउस पॉइंटर भी चेंज कर सकते हैं। तो बेहतर ये रहेगा कि ये जो डिफ़ॉल्ट माउस पॉइंटर है वो बहुत अच्छा दिखलाई देता है, इसलिए आप उसे चेंज ना करें। इसके अलावा पर्सनलाइज ऑप्शन में चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को हम देखते हैं और वो है यहाँ पर डिस्प्ले। डिस्प्ले में भी आप जा सकते हैं।
उसके अलावा यहाँ पर देखो चेंज द विजुअल एंड साउंड ऑन योर कंप्यूटर, आप यहाँ पर थीम को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर थीम ये वाली दिखलाई दे रही है, विंडोज़ डिफ़ॉल्ट थीम भी होती है, विंडोज़ की इस थीम पे आप क्लिक कीजिए, देखिए पीछे बैकग्राउंड में थीम चेंज हो गई। तो ये अपीरियंस चेंज हुआ, ये विंडोज़ 8.1 का अपीरियंस चेंज हुआ, मतलब आपने इसको चेंज किया किस प्रकार से आप देखना चाहते हैं। लाइन्स एंड कलर वाले में जाएंगे तो लाइन्स एंड कलर वाला आ जाएगा, फ्लावर्स में जाएंगे तो फ्लावर्स वाला आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी हम बैकग्राउंड में थीम रखना चाहते हैं उसे हम रख सकते हैं। इसके अलावा हाई कंट्रास्ट थीम भी दी गई है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन पे जाकर के आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड में देखिए पिक्चर, चाहें तो कोई भी पिक्चर को भी लगा सकते हैं। जैसा कि अभी हमारा क्वेश्चन था कि कैसे विंडोज़ में हम वॉलपेपर सेट करेंगे, कैसे हम इसकी थीम चेंज करेंगे, कैसे इसके डिस्प्ले आइकॉन, जो डिस्प्ले हो रहे आइकॉन उनको लेकर के आएंगे। तो यदि हम इसमें कोई वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो वॉलपेपर को हम यहाँ ब्राउज में जा करके यहाँ से इमेज को ला करके, अगर आपके कंप्यूटर पर पिक्चर इंस्टॉल्ड हैं तो उनको ला करके आप जो है इसमें क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने ये चीज़ देखी कि किस प्रकार से इमेज वगैरह को ला सकते हैं, और बाकी और भी इमेज आपको यहाँ पर दिखलाई दे रही हैं। इन इमेज को भी सेलेक्ट करके, और आप देखिए जैसे हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं ये बैकग्राउंड में आपको इस प्रकार से दिखलाई दे रही है। यदि आप कहीं और से कोई पिक्चर लेकर के आ रहे हैं उसको किस प्रकार से दिखाना है, उसके भी तरीके दिए गए हैं। स्ट्रेच करके, टाइल करके आपको दिखाना है तो छोटे छोटे आइकॉन के रूप में दिखने लगेगा, फिल करके दिखाना है तो पूरी इमेज एक बार में फिल होकर के दिखलाई देगी, सेव चेंजेस में आप क्लिक कर देंगे तो जो भी चेंजेस आपने किए हुए हैं वो चेंजेस सेव हो जाएंगे। इसके अलावा कलर यदि आप चेंज करना चाहते हैं जो भी बैकग्राउंड है, तो उसका देखिए विंडो का यहाँ से कलर भी चेंज हो गया, देखिए विंडो का जो है वो कलर भी चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें विंडोज़ 8.1 में बिल्कुल जैसे आप मोबाइल में नहीं काम करते हैं, बस टच करते जाइए और सेटिंग चेंज होती जाएगी, बिल्कुल विंडोज़ 8.1 में कुछ उसी प्रकार की सुविधाओं को जो है दिया गया है। सेव चेंजेस में क्लिक करेंगे हम तो ये सेव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कलर कैसे चेंज करेंगे। विंडोज़ में साउंड होते हैं जब आप क्लिक करते हैं, जब आप ड्रैग करते हैं, जब विंडोज़ चालू होता है, जब विंडो बंद होता है, तो वो साउंड को भी आप यहाँ से क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए विंडोज़ में बहुत सारे साउंड्स होते हैं, एस्ट्रेक विंडोज़ में, और विंडोज़ डिफ़ॉल्ट का साउंड नो साउंड कर देंगे, कहीं साउंड नहीं आएगा, ठीक है। डेस्कटॉप में मेल नोटिफिकेशन का एक साउंड होगा, डिवाइस डिसकनेक्टेड का एक साउंड होगा, लो बैटरी का अलार्म भी सुनाई देगा अगर आप उसका साउंड सेट कर देंगे, मेन्यू पॉपअप में क्लिक करेंगे तो उसका साउंड आएगा, किसी विंडो को मिनिमाइज़ करेंगे तो उसका साउंड आएगा। इसे काम करने में ना बहुत इंटरेस्ट आता है कि जो भी आप क्लिक कर रहे हो उसका एक साउंड आ रहा, तो पता भी चलता है कि कहां कहां पर क्लिक हो रहा है। तो ये सारा कुछ पर्सनलाइज, विंडोज़ को पर्सनलाइज करने के अंतर्गत यदि पूछा जाता है तो ये सारी सेटिंग्स को आप बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि यही सारी सेटिंग मतलब विंडोज़ को पर्सनलाइज करना होता है। स्क्रीन सेवर में हम क्लिक करेंगे, अभी यहाँ पर रेड ये बतला रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई स्क्रीन सेवर यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। स्क्रीन सेवर का अर्थ क्या होता है समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने इस प्रकार से बबल स्क्रीन सेवर को लगा दिया, इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे ही हम विंडो को थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे माउस को, तो ये स्क्रीन सेवर चालू हो जाएगा। स्क्रीन सेवर क्या करता है कि विंडोज़ में सभी कलर्स को, जैसे आप विंडोज़ को छोड़ दिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपने स्क्रीन सेवर चालू नहीं किया तो क्या होगा, एक जगह ब्लैक दिखाई दे रहा है, एक जगह डार्क ये दिखलाई दे रहा है, एक जगह डार्क इस कलर में दिखलाई दे रहा है। तो इससे क्या होता है कि विंडोज़ में एक ही जगह कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, लेकिन यदि हम स्क्रीन सेवर चालू कर देंगे तो पूरी जो LCD होती है, पूरी जो LED होती है, सभी में बराबर कलर जो है वो दिखलाई देता है। तो ये स्क्रीन को सेव करने का काम करता है, स्क्रीन को सेव करने का काम करता है क्या, स्क्रीन सेवर। तो जैसा आपको स्क्रीन सेवर सेट करना है वो स्क्रीन सेवर आप सेट कर सकते हो। फोटोज़ लगा दीजिए, रिबन लगा दीजिए, देखिए इस तरीके से रिबन बनने लगेगी थोड़ी देर में जैसे हम कंप्यूटर को छोड़ेंगे। आप अगर कंप्यूटर लैब है आपकी, आप चाहते हो कि जैसे ही कोई कंप्यूटर को छोड़े तो कोई एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले होने लगे, तो आप बढ़िया स्क्रीन सेवर में एडवर्टाइजमेंट चालू कर दें तो वो दिखता रहेगा। दुकानों में भी कई जगह स्टूडियो वगैरह में स्क्रीन सेवर में लगा के एडवर्टाइजमेंट छोड़ देते हैं, जब कोई कंप्यूटर में काम नहीं करता है तो स्क्रीन सेवर की जगह क्या दिखलाई देता है, उनका एडवर्टाइजमेंट दिखलाई देता है। तो ये भी विंडोज़ 8.1 में स्क्रीन सेवर को इस प्रकार से लगा सकते हैं, उसकी भी सेटिंग दी गई है, दिस स्क्रीन सेवर नो ऑप्शन। कुछ स्क्रीन सेवर में ही कुछ सेटिंग दिखलाई देगी, अप्लाई कर देंगे तो ये स्क्रीन सेवर अप्लाई
हो जाएगा। अभी यहाँ पर कोई भी स्क्रीन सेवर दिखलाई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से हम विंडोज़ को पर्सनलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले में जाइए, आप डिस्प्ले में देखेंगे और भी ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे एडजस्ट रेजोल्यूशन में आप जाएंगे तो विंडोज़ का आप रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं। विंडोज़ को ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट कर सकते हैं। जब प्रोजेक्ट लगाते हैं प्रोजेक्टर तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। अभी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो रेजोल्यूशन है वो इस प्रकार से दिया गया है, इसे भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर से हमने यहाँ पर बैक कर लिया। इसके बाद विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कलर डिस्प्ले है उसे भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपके कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल होना चाहिए, ग्राफिक ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए चेंज डिस्प्ले सेटिंग में जब आप आएंगे वही चीज़ दिखलाई दे रही है। इसके अलावा जो इसमें आइकॉन दिखलाई दे रहे हैं विंडोज़ में, देखो यहाँ पर कि रिकमेंडेड साइज़ ये है, लेकिन जो विंडोज़ हैं उनकी साइज़ को आप बदल सकते हो। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर विंडो की साइज़ भी बदल जाएगी। तो ये भी आप अपनी सुविधा अनुसार जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था कि विंडोज़ को किस प्रकार से आप पर्सनलाइज कर सकते हो। पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन यहाँ भी दिखलाई देता है। जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं फिर से हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसके बाद टास्क बार से रिलेटेड भी ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बारे में तो पूरा आगे क्वेश्चन दिया गया है, वहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हमने सीखा कि कैसे विंडोज़ 8.1 को हम अपनी सुविधा अनुसार पर्सनलाइज करेंगे।